कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी सिचुएटेड है कर्नाटका में ब्लैकबक स्टेट एनिमल है पंजाब हरियाणा आंध्रा और आंध्र प्रदेश का पंजाब हरियाणा और आंध्र प्रदेश का विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में आज के सवाल है करियाला इज अ पॉपुलर फोक ड्रामा ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया करियाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये किस राज्य में स्थित है मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आर जी एस ए देडक्वार ऑफ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी इज लोकेटेड एट किस जगह पर है अभी कल ही हमने पढ़ा था एल पी ए वॉट इज द एक्सपेंशन ऑफ एल पी ए बेस्ड ऑन विच द इंडियन मेटेलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट द मोनसून सो दीज आर क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो है अरिडिटी इसका मतलब होता है अरिड अरिड मतलब सूखा वहां बारिश नहीं होती है ड्राइनेस हो, हो रहा है जैसे डेजर्ट्स होते हैं डेजर्ट्स का क्राइटेरिया होता है बेस्ड ऑन रेनफॉल एरिडिटी कहाँ है टेम्परेचर टेम्परेचर इज नॉट अ क्राइटेरिया बिकॉज कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं और वार्म डेजर्ट भी होते हैं वेनल वेनल का मतलब होता है शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससेप्टेबिलिटी टू ब्राइबरी करप्टेबल

If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज सैटरडे है आज आंसर राइटिंग नहीं है हम थर्टिंथ का सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर सैटरडे फर्स्ट जो न्यूज है वो है अबाउट श्रीलंका विल नॉट इग्नोर पुअर वाइल सीकिंग आईएमएफ असिस्टेंस आईएमएफ एम असिस्टेंस श्रीलंका जो है अभी डिफिकल्ट फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गो थ्रू हो रहा है फाइनेंशियल डिफिकल्टी में भी एस्पेशली उसके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है फॉरेक्स रिजर्व नहीं है तो वो फॉरेन से एसेंशियल आइटम्स गुड्स एंड आइटम्स इम्पोर्ट नहीं करा पा रहा है इम्पोर्ट नहीं हो रहा है सो so फॉर दैट श्रीलंका को जरूरत है इमिजिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस का ऑल दो इंडिया ने वन डॉलर वन बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया है जिससे श्रीलंका एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट करा पाए बट इतना सफिशेंट नहीं है श्रीलंका की जो इकोनॉमी है इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स के लिए हेल्प करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ हेल्प करता है इकोनॉमी को डेट अगर उसका क्राइसिस है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो आईएमएफ हेल्प करता है असिस्टेंस देता है बट आईएमएफ की जो हेल्प और असिस्टेंस होती है उसमें कंडीशन अप्लाइड होती है कंडीशन अप्लाइड मतलब जैसे नाइनटीन में आई ने हमको असिस्टेंस दिया तो हमें लिबरलाइजेशन फॉलो करना पड़ा ग्लोबलाइजेशन हुआ प्राइवेटाइजेशन एल ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए सो so सिमिलरली श्रीलंका से भी एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेके आएगा रिफॉर्म्स आईएमएफ असिस्टेंस के लिए बट श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये भी इंश्योर किया है कि रिफॉर्म्स जो होंगे लाइक वो ओपन अप होंगे फॉर लाइक ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा में बट जो डोमेस्टिक है वहाँ का डोमेस्टिक सिटीजन है, है जो डोमेस्टिकॉमी है जिनके लिए वेलफेयर मेजर्स जरूरी होते हैं उसको इग्नोर नहीं करेगा सो दिस इज वन थिंग जो श्रीलंका ने मैंशन किया श्रीलंका की इकोनॉमिक रिकवरी विल डिपेंड ऑन द रिफॉर्म्स अंडरटेकन विद द आई एम एफ सपोर्ट बट द गवर्नमेंट विल नॉट इग्नोर द कंट्रीज पुअर ये यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इनकी इनकम बंद हो गई बिकॉज इनकी इनकम प्राइमरली डिपेंडेंट थी टूरिज्म पे प्राइमरली डिपेंडेंट थी रेमिटांस पे वो बंद हो गया कंट्री का रेवेन्यू कम हो गया बट एक्सपेंडिचर्स तो कम नहीं हुए तो ऑब्वियसली पैसे खत्म होने थे तो दे आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द करेंट इकोनॉमिक क्राइसिस और क्राइसिस जो होती है वो एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गइज होती है तो रिफॉर्म्स आर गोइंग टू बी क्रुशल सो दिस इज द मैसेज इस पूरे बैकड्रॉप में श्रीलंका में एग्जेक्टली exactly जो पॉलिटिकल टर्मोइल है दिस इज नन ऑफ बिजनेस इसमें हम डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करते हैं किसी भी कंट्री में से पाकिस्तान नेपाल और श्रीलंका बट यहां जो आई एम एफ है इसके बारे में हमें जानना चाहिए इंटरनेशनल मोनिटरी फंड है ये ऑर्गेनाइजेशन है वन एटी नाइन मेंंट्रीज का सारे जो मेंबर्स है वो रिप्रेजेंटेशन रखते हैं आई एम एफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में प्रपोशनल टू देयर फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस सो दाइंड ऑफ कलेक्टिव बॉडी है ये जो आई एम एफ है और दिस वर्ल्ड बैंक है इन दोनों को बोला जाता है ब्रिटेन वुड ट्विंस ब्रेटन वुड ट्विंस 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ तो वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट फील हुआ कि एक इंटरनेशनल ग्लोबलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए सो so फिर एक कॉन्फ्रेंस हुआ ब्रिटेनवुड में और दो इंस्टीट्यूशन आए प्राइमरली वर्ल्ड बैंक और दिस आई एम एफ वर्ल्ड बैंक एंड आई एम का प्राइमरली जो रोल होता है वो मॉनेटरी होता है कि वहां की किसी भी कंट्री की फाइनेंस को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन करें तो ये जो पांच है, हैं ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आई के फोस्टर करना ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन मॉनेटरी कोऑपरेशन सिक्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करना हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस करना पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड तो देखो वर्ल्ड बैंक होता है वर्ल्ड बैंक एक्चुअली ग्रुप है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बहुत डाइवर्स फील्ड होता है ग्रोथ डेवलपमेंट रीस्ट्रक्चरिंग ह्यूमैनिटेरियन आई एम आईएमएफ जो होता है ये स्पेसिफिकली मॉनेटरी प्रोस्पेक्ट्स देखता है मॉनेटरी एस्पेक्ट्स देखता है तो ये प्राइमरली पांच ऑब्जेक्टिव होते हैं आईएमएफ के आईएमएफ फंक्शन कैसे करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है जैसे अभी श्रीलंका को देगा तो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है मेंबर कंट्रीज को जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट कराने का पैसा इंपोर्ट कराने का पैसा से नहीं बचा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफिकल्टी हो रही है आईएमएफ लेंड करता है मनी उधार देता है टू रिप्लेनिश इंटरनेशनल रिजर्व जो श्रीलंका को चाहिए स्टेबलाइज करता है उनकी करेंसी को प्राइमरली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स जो है वो आईएमएफ देता है आईएमएफ एम भी करता है मॉनेटरी सिस्टम बिकॉज यू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो अगर कोई कंट्री लाइक डिबैकल की तरफ जा रही है तो आई उसको पहले वॉन करता है कि सच इज द थिंग आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है लाइक like दैट तो सर्वेलेंस जो है मॉनेटरी फैसिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भी आईएमएफ का एक मैंडेट है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे पॉलिसी एडजस्टमेंट की जरूरत है बिकॉज आई के पास क्या है वेंटेज पॉइंट है आई एम कंट्रीज को देख रहा है पूरे वर्ल्ड के सारे जो डेवलपमेंट है उसको मॉनिटर कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है तो आई के पास वेंटेज पॉइंट है इन्फॉर्मेशन है एक्सपर्टीज़ है और वो इन इन्फॉर्मेशन एक्सपर्टीज को मेंबर कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करके टाइमली सर्वेलेंस करके उन्हें वॉन भी करता है एडवाइस भी देता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है टेक्निकल असिस्टेंस ट्रेनिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स अथॉरिटी तो इकोनॉमी साउंड करने के लिए जो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी चाहिए उसको भी बिल्ड करने में आईएमएफ का इम्पोर्टेंट रोल है लीगल फ्रेमवर्क भी है गवर्नेंस भी है रिपोर्टिंग भी है माइक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेटा का और साथ ही साथ एसडीजी फुलफिल करने में भी आईएमएफ का मैंडेट है तो ये आई बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है आई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड श्रीलंका के अंदर क्राइसिस है तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे श्रीलंका अपनी इकोनॉमी में सो एक ही चीज होती है कोविड जैसे वैक्सीनेशन है कोवैक्सीन हुआ कोविशील्ड हुआ इसको आप देखना जब आप वैक्सीनेशन लगाने गए होंगे तो उसको आइस के बॉक्सेस होते हैं वहां पे रखा जाता है वाई बिकॉज ये जो वैक्सीनेशन होती है इनको रूम टेम्परेचर से कम पे रखना पड़ता है गर्म अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये एफिकेसी लूज करती है अब एक नया आया है वॉम कोविड जैब इससे क्या होगा इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रख पाएंगे रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होगी नीड नॉट नीड टू बी पुट इन रेफ्रिजरेटर या फिर कोल्ड चेन स्टोरेज तो ऐसा एक टेस्ट हुआ है माउस में उसमें इनकी एफिकेसी इफेक्टिव पाई गई है वॉम कोविड बिकॉज यू नो वैक्सीनेशन का मेडिसिन का ड्रग्स का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें किसी रिमोट लोकेशन पे भेजना है गाँव में भेजना है वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है कोल्ड चेन नहीं है तो मेडिसिन तो खराब हो जाएंगी सो दैट इज वाई वी ट्राई कि हम ऐसा मेडिसिन ऐसी वैक्सीनेशन बनाए जो रूम टेम्परेचर पर भी इफेक्टिवली वर्क करें सो दिस इज दैट दिस इज रेमेंट ऑफ वॉर वॉर का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन वॉर का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू सेकेंड है लुक एट दिस पिक्चर सेलिब्रेटिंग वैशाखी तो ये मार्शल स्किल्स है ये निहांग यूथ है डिस्प्लेइंग स्किल्स ऑन द कॉन्क्लूडिंग डे ऑफ वैशाखी मेला इन दिस भटिंडा तो ये मार्शल स्किल्स है कुछ मार्शल डांस फॉर्म्स के नाम बताइए हमने रिवीजन किया था ना मार्शल डांस फॉर्म्स काफी फेवरेट है हर साल कुछ ना कुछ पूछा पुछ जाता है मार्शल डांस फॉर्म से जितने भी मार्शल डांस के पॉपुलर आपको नेम है टेल मार्शल डांस फॉर्म और किस राज्य में है ये भी बताना है देन जो फर्स्ट है दिस इज अबाउट कर्नाटका एंड पॉलिटिकल टेक टू टेक टू है दर्सूट ऑफ टू कोर्सेज साइमल्टेनियसली अभी एक्चुअली ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि एक साथ आप दो कोर्स कर पाओगे मल्टीपल ये नहीं कि पहले जैसे एक कोर्स किया और फिर नेक्स्ट कोर्स करना है नेक्स्ट नो साइमल्टेनियसली आप दो कोर्सेज में एनरोल कर पाओगे तो इन अ वे ये काफी प्रैग्मेटिक भी है इससे जो गैप्स आ जाते हैं एजुकेशन में जैसे आपने से इंजीनियरिंग कर रहे हैं साथ ही साथ आप ह्यूमैनिटीज का भी एक कोई आर्ट्स का भी एक कोर्स कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल को ये बेटर होगा आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी तो द आइडिया इज दिस लुक्स गुड प्रॉब्लम ये होगी कि इस के लिए हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं या नहीं है इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा तो ये कुछ हैं जो एडिटोरियल में है डिग्री प्रोग्राम वर्क इन प्रोग्रेस है। काफी टाइम बाद यूजीसी ने इसको लीगल सैंटिटी दे दिया है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी ने नोटिफाई भी किया है कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट साइमल्टेनियसली दो एकेडमिक प्रोग्राम्स को अप एनरोल कर सकते हो मल्टीपल लेवल्स में पर पी एच डी कोर्सेज नहीं उसके नीचे तो ये बात है यू जी सी ने अब चॉइसिस क्या है या तो ऑफलाइन ओनली ऑनली कॉम्बिनेशन हो एक कोर्स ऑफलाइन कर लो दूसरा डिस्टेंस मोड में कर लो डिस्टेंस ऑनलाइन ऑनली मोड करो फॉर ड्यूअल प्रोग्राम तो द पॉइंट इज इसको एग्जीक्यूट कैसे करें ये फाइन जो लाइंस हैं इस पर वर्कआउट करना जरूरी है तो एक तरीका तो है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन की दो ऑफलाइन कोर्सेज हैं उनको साइमल्टेनियसली करें एक ही यूनिवर्सिटी में दो क्लासेस हो रही है एक होता है कि एक ऑफलाइन विद डिस्टेंस मोड कर दें या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बिनेशन ये अभी ट्राई हो रहा है अब द पॉइंट इज कि क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स जैसे बहुत ब्राइट हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास रिसोर्सेज भी है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो स्टूडेंट्स फिर जैसे सीट्स को ब्लॉक करने लग जाए प्लस जब स्टूडेंट्स ऐसे दो कोर्सेज में इनरोल्ड होंगे तो इसका जो बैकेंड है वो कैसे हम मैनेज करेंगे ये चीज़ें अभी सवाल है यहाँ पे डुबियस प्लेयर्स जो है ऑनलाइन एजुकेशन सेगमेंट के उनको हटाना भी जरूरी है जैसे क्या होता है अभी कुछ टाइम से ऑनलाइन डिग्रीज भी मिलने लग गई थी ऑनलाइन डिग्रीज इवन जो हायर एजुकेशन की डिग्रीज है वो भी ऑनलाइन मिल रही है बट क्या ऑनलाइन में वो क्वालिटी आपको मिल पाएगा लाइक जैसे एम भी है बहुत सारे जो हायर पोस्ट स्पेशलाइजेशन डिग्री है वो भी ऑनलाइन हो रही है तो इससे सवाल ये उठता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री डिग्री है या फिर उस डिग्री का कोई लर्निंग है लेसन है क्वालिटी भी है तो यूजीसी ने ये सही किया है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मेड कोर्सेज शुड बी प्रस्यूड ओनली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रिकग्नाइज हो स्टैशरी बॉडी आप भी किसी भी कोर्स पे एनरोल करो आप वहाँ पे फी पे कर रहे हो हमेशा चेक करो कि वो इंस्टीट्यूशन क्या रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है अगर रिकॉग्निशन नहीं मिला है तो वहाँ से जो डिग्री मिलेगी उसको भी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो रिकोगनाइज बाय स्टैशरी बॉडीज़ है या नहीं है अदरवाइज़ ये डुबियस प्लेयर्स हैं तो यहाँ पे फ्रॉड्स भी होते हैं अब ग्रांटिंग स्टूडेंट्स द लिबर्टी टू एनहेंस देयर स्किल स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू एन एडिशनल डिग्री इज अ वेलकम मूव वेरी नाइस आप साथ ही साथ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स कर रहे हैं और इधर कोई टेक्निकल कोर्स भी कर रहे हैं तो डूबल कोर्स इज नॉट बैड परसन दिस इज अ गुड थिंग प्रॉब्लमेटिक है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जो अकेडमिकली प्रोफिशेंट है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो सारी कॉर्नर कर लेंगे इंपॉर्टेंट सीट्स को ऐसा एक कमिटी पहले भी आया था यूजीसी का फुरकान कमर कमिटी इसने दस साल पहले ही रिकमेंड किया था कि जो सेकेंड डिग्री है ओपन डिस्टेंस मोड में उसको रूल आउट किया था कि इसकी इफेक्टिविटी होगी नहीं बट ये दस साल पहले अभी डिजिटल भी वर्ड है कोविड नाइन्टीन का भी इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजिकली भी और रिसोर्स वाइज भी हम अब ज़्यादा बेटर हैं सो तो इसको रिविजिट करना चाहिए यू ने तो इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है डुबल डिग्री का बट लेट अस सी इसमें यह चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो वरना अक्सर ये होता है डिग्रीज का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है फिर रियल वर्ल्ड में सो दिस इज दैट अब श्रीलंका स्टेट्स एट बैंक रिडेम्पशन बैंक होगा या रिडेम्पशन होगा ये यहाँ पे सरकार पे कमेंट्री है कमेंट्री दिया है श्रीलंका का बेसिक्स हमने देख लिया यहाँ क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है अब बहुत ज्यादा इसमें हमें डीप में नहीं जाना है आई जो है उसका भी हमने बेसिक्स पढ़ लिया है दैट्स ऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो कीवर्ड है इसको नोटेड डाउन एंड यूज इंटरव्यू में भी अगर कुछ सॉल्यूशन पूछा जाए तो यूज दिस पॉइंट इस वर्ड को जिसका नाम है फूड वैक्सीनेशन फूड वैक्सीनेशन ये क्या होता है जैसे कोविड नाइन्टीन हुआ कोविड नाइनटीन में यूजुअली आपने देखा जो स्ट्रांग है हेल्दी है अच्छा अच्छा उनका बॉडी में कोई डिसीजेज नहीं है कोमोर्बिडिटी नहीं है उधर कोविड नाइन्टीन का ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आया सो द पॉइंट इज लेसन इज अगर आप स्ट्रांग होते हो इफ योर बॉडी इज स्ट्रांग तो यॉडी आपको अटैक नहीं कर पाएंगे दिस इज एज सिंपल एज दैट क्योंकि ये जो पैथोजेंस होते हैं पैथोजें क्या होते हैं डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरसेस एट्सेट्रा ये हमेशा से एटमोसफेयर में है आपके फूड में भी है एवरीवेयर दे आर देयर बट ये आपको अटैक तब करते हैं जब आप वीक हो जाते हो जब आप वीक हो जाते हो आप इनको डिफेंड नहीं कर पाते इनसे या फिर आपका जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है दीज आर द ओनली रीजन जब हमारी बॉडी को डिसीज होती है डिसीज होती है जैसे एड्स के बारे में हमने पढ़ा था एड्स बेसिकली क्या होता है इसमें आपका जो इम्यूनो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो हो गया। है वो वीकन हो गया है बॉडी के जो सोल्जर्स हैं वो वीक हो गए वो लड़ नहीं पा रहे इससे क्या हो रहा है कोई भी पैथोजन आता है हम डिफेंड ही नहीं कर पाते और वो हमारी बॉडी को डैमेज कर देता है सो द पॉइंट इज ये जो पैथोजन हैं इनको एलिमिनेट करना चाहिए लाइक like वैक्सीनेशन के थ्रू हम कर रहे हैं लाइक दैट बट एट द सेम टाइम जो बॉडी है हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाना भी जरूरी है और बॉडी स्ट्रांग बनती है गुड फूड इनटेक से फूड इनटेक फूड में भी दो चीज होती है क्वांटिटी एंड क्वालिटी सफिशेंट कैलोरीज होनी चाहिए क्वांटिटी और जो फूड है उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए कि लाइक हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड है प्राइमरली यहाँ पे टीबी के रेफरेंस से बताया गया है कि जो टीबी है एक टाइम था टीबी एक बहुत बड़ा महामारी महामारी था टीबी से बहुत लाइव्स लॉस होती थी अब फिर ये देखा गया कि ये जो फैक्टर्स है जेनेटिक है मेटाबॉलिक है हार्मोनल इम्बेलेंस है न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर्स है एक्चुअली ये इलनेस क्यों हो रही है ट्यूबर जैसी इलनेस क्यों हो रही है फिर एक और सर्वे किया गया तो देखा गया कि जो लोग हेल्दी डाइट ले रहे हैं जैसे ब्रिटिश सोल्जर्स को हेल्दी डाइट दिया 1000 कैलोरी का 30 ग्राम प्रोटीन का और तो इससे क्या हुआ उनमें टीबी के जो इंस्टेंसेज है वो कम हो गए सो so, एक चीज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर गुड न्यूट्रिशन मिल रहा है तो गुड न्यूट्रिशन मतलब हेल्दी बॉडी मतलब आपकी बॉडी स्ट्रांग है पैथोजेंस आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे दिस इज दिस इज द वे वी शुड गो फॉरवर्ड तो ट्रीटमेंट में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है एक तो डिसीज हो गया तो पैथोजेंस को कैसे किल करें सेकेंड हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग करें जैसे कोविड नाइनटीन में भी डॉक्टर्स साहब ने क्या बताया था मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ने कि आप अपना हेल्दी रहो योगा करो वाइटामिन सी इज़ गुड फॉर लाइक इम्यूनिटी के लिए लाइक दैट टू डेवलप स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी और इसके लिए हेल्दी फूड होना ज़रूरी है तो टीबी इनिशियली जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया गया ऐसे इनको मेडिसिन दिया गया एंटीबायोटिक्स में भी और फिर ये पाया गया कि अगर हम टीबी का इम्पैक्ट भी देखें तो टीबी बी ज्यादा होता है जहां पे न्यूट्रिशन स्टेटस पुअर है हेल्दी नहीं है बॉडी हेल्दी नहीं है नाइन्टी परसेंट ऑफ जो टीबी है वो लाइक like पैथोजन है बॉडी में बट वो डोरमेंट रहते हैं अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस हेल्दी है इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो ये पैथोजन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बट अगर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस वीक है इम्यून सिस्टम वीक है तो एवरी सिंगल पैथोजन विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग एंड कॉजिंग यू डिसीज सो द पॉइंट इज इन्फेक्टेड पर्सन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसका डिसीज मैनिफेस्टेशन बढ़ जाता है तो दिस इज द पॉइंट और इसके लिए हमें बेटर न्यूट्रिशन देने की जरूरत है ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि हम गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो जैसे ये देखा गया जिसका लाइक एवरेज बॉडी वेट 42.1 टू पॉइंट वन के जी है दिस इज वेरी लेस और बॉडी मास इंडेक्स सिक्सटीन है दिस इज वेरी लेस तो इधर डिसीज ज़्यादा हुई आइडियल बी कितना होना चाहिए बताइए और आप अपना बी भी चेक करना यू डोंट हैव टू टेल जस्ट चेक करना कि आइडियल बी के अंदर होना चाहिए आइडियल बी कितना होता है अगर ये नहीं है तो यू शुड वर्क एक्सरसाइज वेट ज्यादा है तो लूज सम वेट बी जो होता है दिस शुड बी लाइक बहुत कम भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स लाइक हाइट टू वेट रेशियो तो गाइडेंस डॉक्यूमेंट है न्यूट्रिशनल केयर एंड सपोर्ट फॉर पेशेंट जो है टीबी का ये कॉलेजेस में भी एक्सपर्ट्स ने भी बताया फूड इनटेक को बेटर करें तो जैसे जननी सुरक्षा दिस जेएसएस प्रोग्राम है जेएसएस प्रोग्राम है नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगिन प्रोवाइडिंग एग्स मिल्क पाउडर एंड दाल तो ये चीजें प्रोवाइड करा रहा है दाल मतलब प्रोटीन ग्राउंड नट्स कुकिंग ऑयल डायग्नोस्ट पेशेंट में अगर दें एंटी टीबी ड्रग्स के साथ तो बेटर रिकवरी होती है रिजल्ट्स बेटर आते हैं छत्तीसगढ़ में भी ऐसा किया गया जैसे ग्राउंड नट मूंग दाल सोया ऑयल ये सब चीजें दिया फिर एक निक्शनय पोषण योजना है निक्षय पोषण योजना नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर है निक्षय निक्षय पोषण योजना नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर है तो यहाँ कैश ट्रांसफर भी दिया टीबी पेशेंट्स को फूड बाय करने के पैसे दिए जा रहे हैं सो द होल थिंग इज काउंसलिंग एजुकेशन कैश ट्रांसफर की जो डिस हैं उसके लिए वार्ड ऑफ करने के लिए बेटर फूड का इंटेक इंटेक हो अंडर न्यूट्रिशन नहीं हो ये दोनों अदरवाइज जो अदरवाइजी है उसको और एग्जर्बेट करते हैं दिस इज द थिंग सो ये जो वर्ड है वो है फूड वैक्सीनेशन फूड वैक्सीनेशन जो फूड है इट एक्ट्स लाइक अ वैक्सीनेशन स्ट्रॉगर बॉडी फूड वैक्सीन इज अ राइट फॉर लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल सिटीजन फूड वैक्सीनेशन गारंटेड है तो ये जरूरी है ये नॉट ओनली टीबी अदर डिसीजेस को भी वार्ड ऑफ करने में हेल्प करेगा मोर्टैलिटी कम होगी अंडर न्यूट्रिशन कम होगा सो दिस इज फूड वैक्सीनेशन प्रॉफिटेबल विंटर इन कश्मीर नाउ सी कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का इकोनॉमी का ह्यूज ह्यूज यहाँ पे स्कोप है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉफिटेबल विंटर इन कश्मीर तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वहां पे ऐसे फोकस करना है रिवाइव करना है इंडस्ट्री को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर जाए और प्रॉफिटेबल हो यहाँ के वर्कर्स के लिए भी यहाँ के जो इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री और पूरी एकनमी में भी हमने जो एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में एक तो जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर में ह्यूज अमाउंट में ह्यूज नंबर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है सिमिलरली अगर टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होता है तो इससे अलाइड सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो टूरिज्म शुड बी प्रायोरिटी प्रॉफिटेबल विंटर इन कश्मीर दैन इंडिया टू गेट रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन नेक्स्ट टेन ईयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स मेडिकल एडमिशन कॉलेजेस वगैरह में अब बूस्ट करने की बात है बट अगेन बात वही है कि हम क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जैसे एक टाइम आया था इंजीनियरिंग का क्रेज हर हर घर से इंजीनियर हर हर जगह सिटी में ही बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए बट वट अबाउट द क्वालिटी सो दिस वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज सो दिस इज देर और दिस इज इफ हार्म इंडिया विल नॉट स्पेयर एनी वन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग डिफेंस मिनिस्टर एक और फॉरन मिनिस्टर दोनों का यू एस विजिट टू प्लस टू डायलॉग में स्ट्रांगली इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे प्रजेंट किया है सो दिस इज देयर इंडिया विल नॉट स्पेयर एनी वन सेज डिफेंस मिनिस्टर इंडियन अमेरिकन कॉम्युनिटी सैन फ्रांसिसको में भी ये बात किया तो दिस इज़ गुड सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एज वेल तो ये डिसीजन लाउड एंड क्लियर है ई डार पोर्टल टू स्पीड अप एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स नो सी दिस इज गुड टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हो रहा है जब रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो क्यों ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि इमीडिएटली वहां पे फोटो खींच के हमने अपलोड कर दिए जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनका फ़ोन नंबर से सब उनका डिटेल्स आइडेंटिफाई हो गया ये सारी चीज़ें जो फोटोग्राफ्स है डिटेल्स हैं आइडेंटिफिकेशन है कैमराज लगे हैं सीसीटीवी सी एक्सेट्रा ये चीज़ें अगर टेक्नोलॉजी सिंक में काम करें तो सी इन्वेस्टिगेशन कितना ईजी हो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट भी उससे लिंक्ड है तो द पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे अमेलगमेशन जरूरी है तो ये एक वेब पोर्टल है गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है टू प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स कुछ क्लिक्स करने हैं डेटा को एक्सेस करना है और जो रिलीफ देना है विक्टिम्स फैमिली को रोड एक्सीडेंट में जो रॉन्ग डूइंग किया है किसी व्हीकल ने उसको गिल्टी वहां पे होल्ड करना है इन सब चीजों में टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगी किसके अंदर है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डेवलप किया है ई डार ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट ये डिजिटलाइज डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट है डिजिटलाइज डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट है तो ये अपलोड होगी पोर्टल में फॉर इजी एक्सेस इजी एक्सेस तो ये है एमओ का ई e डार वेब पोर्टल जो होगा ये लिंक किया जाएगा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बेस आई आर ए डी में नाइन्टी परसेंट ऑफ जो डेटाबेस है वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जैसे पुलिस रोड अथॉरिटी हॉस्पिटल्स इन सब को बहुत मिनिमल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ई पे अपलोड करना है बट कलेक्टिवली वो सारी चीज़ें एक कलेक्टिव सारा एस्पेक्ट्स कवर हो जाएगा तो ये एक्सटेंशन है ई वर्जन ऑफ आई आर ए डी का तो कोर्ट ने डिटेल्स इसके बारे में बताया मल्टीपल चेक्स होंगे ताकि फेक क्लेम्स भी यहाँ पे नहीं हो स्वीपिंग सर्च ऑफ वही व्हीकल्स इन्वॉल्व होगा एफआईआर भी यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन हो रहा है ये वाहन से भी इंटीग्रेटेड होगा वाहन मतलब हर जो व्हीकल है उसके नंबर से उसकी डिटेल्स आ जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स ये सब चीज़ें आ जाती है फोटोज वीडियोज एक्सीडेंट स्पॉट डैमेज व्हीकल इंजर्ड विक विक्टिम्स आई विटनेस ये सब रियल टाइम पे वहां पे अपलोड हो जाएगा पोर्टल में तो सी इससे जो एक्सीडेंट रिलेटेड जो पोस्ट एक्सीडेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत सिस्टमैटिक हो जाएंगे कंपनसेशन भी इजी मिलेगा और जो गैप्स हैं एक्सीडेंट्स को जो मिनिमाइज करने हैं वो भी हम इफेक्टिवली डिलीवर करेंगे हाउ जैसे कुछ हॉटस्पॉट्स होते हैं कई बार स्ट्रक्चरल डिफिकल्टी होती है रोड गलत बना है टर्न गलत बना है या फिर चौराहा गलत डिजाइन कर दिया है इंजीनियर्स ने तो उससे क्या होता है वो प्रोबेबल होते हैं ज़्यादा एक्सीडेंट्स के तो हॉटस्पॉट होगा फॉर एक्सीडेंट्स जहां पे फीड के थ्रू जो इंजीनियर्स हैं सपोज वो वहां जाएंगे पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट जाएगा उसको विजिट करेगा एंड दे विल लाइक फाइंड आउट कि क्या किस तरीके से एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है तो द पोर्टल्स नेम इज ई डार प्रोटेक्ट डॉक्टर्स फ्रॉम थ्रेट्स मेडिकल एसोसिएशन आर्जेस सुप्रीम कोर्ट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स और पेशेंट का जो रिलेशन होता है वो फिड्यूशरी रिलेशन होता है डॉक्टर्स ऑलवेज ट्राई कि पेशेंट का लाइफ सेव हो और कई बार चैलेंजिंग सिचुएशंस भी होती है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी डिफिकल्ट होते हैं तो द पॉइंट इज अगर डॉक्टर्स पे इस टाइप से अटैक होने लग जाता है तो दिस सेट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस फिर डॉक्टर रिस्क लेना बंद कर देता है फिर वो तो द पॉइंट इज डॉक्टर्स को यहाँ पे सेफ्टी एंड जो सिक्योरिटी है उनका दिस इज़ पैरामाउंट इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जैसे अभी डॉक्टर ने ट्राई किया बट केस में सर्वाइव नहीं हो पाया पेशेंट का तो उस डॉक्टर पे अटैक किया मेंटली फिजिकली हरासमेंट किया डॉक्टर ने एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सो पॉइंट इज ये जो एंटायर वर्किंग कंडीशन है मेडिकल का प्रोफेशनल्स का यहाँ यहाँ ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है कॉम्प्रीहसिव गाइडलाइंस हो इमीजिएट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर इन सरकमस्टेंसेज जहाँ पे एलिजेशन लग जाता है मेडिकल नेगलीजेंस का अगर नेग्लिजेंस है तो फिर यहाँ डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी सेट होना चाहिए बट जस्ट ऑन द ऑन दिस एलिजेशन अगर एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा रहे हैं डॉक्टर पे तो दिस विल नॉट बी राइट ये किसी के लिए करेक्ट नहीं होगा डॉक्टर्स के लिए भी नहीं और पेशेंट्स के लिए भी नहीं सो द पॉइंट इज यहाँ एक प्रॉपर गाइडलाइन होना जरूरी है कोविड नाइनटीन में हमने देखा डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ ने अपना लाइफ एंड ऑल कॉम्प्रोमाइज करते हुए फ्रंट स्टाफ जो है उन्होंने ड्यूटी डिलीवर किया सो द पॉइंट इज देयर शुड बी सम गाइडलाइंस स किसी भी टाइप का आंसर नहीं होता है सरफेस टू एयर मिसाइल है रशिया से आ रहा है सेकेंड रेजिमेंट थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर इजिप्ट टू इंपोर्ट वीट फ्रॉम इंडिया दिस इज अगेन गुड ऑफिशियल जो है एग्रीकल्चर क्वारंटीन बेस्ट रिस्क एनालिस ऑफ इजिप्ट विजिटेड वेरियस प्रोसेसिंग यूनिट पोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे तो इजिप्ट भी एक्चुअली इम्पोर्ट कराता है वीट का रशिया जो है सो so, तो यहाँ वीट एक्सपोर्ट करेगा इंडिया इजिप्ट को भी एक्चुअली जब इम्पोर्ट होता है फूड आइटम्स का तो समाइम्स फाइटोसेनेटरी मेजर्स ऐसी भी कंडीशन होती है नॉन टेरिफ वैरियर्स होते हैं इसमें इंडिया ने क्वालिफाई किया है तो इंडिया विल नाउ बी एक्सपोर्टिंग वीट टू से इजिप्ट नॉट ओनली इजिप्ट ये जो डिमांड है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण सप्लाई हिट हुआ है तो इंडिया इस गैप को फिल कर सकता है डिमांड फ्रॉम कंट्रीज जैसे बांग्लादेश यूएई, कतर श्रीलंका ओमान मलेशिया इंडिया यहां पर एफर्ट्स डालेगा एक्सपोर्ट करने का वीट को इवन यमन अफगानिस्तान एंड इंडोनेशिया को भी तो दिस इज देयर अब नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस है इंडिया मेड वार्म वैक्सीन टू फाइट कोविड कोविड नाइनटीन सी जितने भी एटीन प्लस हैं बूस्टर डोज अब आपके लिए अवेलेबल है एज एन वेन यू कैन टेक दिस थर्ड डोज ऑफ वैक्सीनेशन फॉर्मर सीई ने कहा स्टूडेंट्स टू स्टे यूनाइटेड सी स्टूडेंट्स हमेशा चेंज का ड्राइवर होता है चेंज का ड्राइवर होता है न्यू एनर्जी होता है न्यू थॉट्स होते हैं सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट जनरेशन है जो वो पास्ट के बैगेजेस हैं उसको अननेसेसरी कैरी नहीं करे हमेशा एक फ्रेश बिगनिंग राइट स्टार्ट ऐसा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज उनके पास एज है और टाइम है सो दैट इज वाई दे नीड टू बी यूनाइटेड एंड थिंक फॉर दिस वैल्यू सिस्टम आगे हमें कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है सो so फार जैसे है वीकनेस नहीं होनी चाहिए यू हैव टू बी लाइक स्टूडेंट्स अक्सर इमोशनली वेरी क्विकली नो पेश तो सी सी साहब ने कहा जैसे योर वीकनेस इज दैट यू बिकम इमोशनल वेरी क्विकली एंड देन एंड ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स दैट यू शुड नॉट है अवॉइड करना है सो so, आत्मनिर्भर जरूरी है सेल्फ रिलायंस जरूरी है शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है बट यू हैव टू स्टैंड एंड डिलीवर सो दिस इज नेवी एक्सेलरेट कर रहा है इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स फोकस है वेपन्स एंड एविएशन आइटम जो नेवी है ओशन है सी है ये नेक्स्ट बिग थिंग है तो इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान है 15 से 30 में चलेगा 2015 थाउजेंड फिफ्टीन टू थर्टी इंडिजिनस बनो आत्मनिर्भर बनो इक्विपमेंट्स में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं नेवल के चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर से डिफेंस के हो ये सब इंडिजनाइजेशन होना है तो फोकस एरिया क्या है डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस एंटी सबमरीन एंटी सबमरीन वेपन्स एंड सेंसर्स सेटकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट शिप मिसाइल्स मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज नेटवर्क इंक्रिप्शन डिवाइस कॉम्युनिकेशन बैटरीज एंड टॉर्पिडो टॉर्पिडो क्या होता है Answer कुछ दिन पहले हमने देखा था. ये कैसे वर्क करता है तो ये सारी जो इक्विपमेंट है ना नोट डाउन दीज नेम्स की सबमरीन इससे रिलेटेड जो की वर्ड हैं वो हम इंडिजिनाइज हो हम डिपेंडेंट नहीं हो किसी कंट्री में हम खुद से बनाए उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसमें भी आई एप्लीकेशन है दिस इज अ गुड स्टेप कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं दिस नेवी में भी देन रशियन स्ट्राइक्स मिसाइल यूनिट आउटसाइड की बहुत एस्कलेट होने के चांसेस लग रहे हैं चाइना मॉस्को चाइना रिड्यूस रिजर्व नॉम फॉर बैंक्स एज इकोनॉमी स्लोज तो बैंक्स को जैसे सी आर आर होता है कुछ एक पर्टिकुलर रिजर्व रखना पड़ता है वो लैंडिंग में यूज नहीं होता है

कैश इसका वर्क कर रहा है एंड लेट दिसकशन है दिस इज बाय दो सवाल थे पहला सवाल था फाइनेंस कमीशन पे रिपोर्ट बनाना था दूसरा था जोग्राफी ऑफ वेस्टर्न गार्ड ऑफ इंडिया सो फर्स्ट है फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन पे बहुत अच्छा आंसर लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फाइनेंस कमीशन का प्राइमरली क्या होता है जो नेट डिस्ट्रीब्यूट है टैक्स का सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स हुआ कारपोरेट टैक्स हुआ जी एस भी हुआ अब इस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें वर्टिकल और हॉरीजोंटल वर्टिकल इन द मतलब सेंटर टू स्टेट और हॉरीजोंटल मतलब 28 स्टेट्स में कैसे डिवाइड करें क्या क्राइटेरिया हो तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है वो होता है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 एटी सो पॉलिटी लिखना था और इकोनॉमी भी लिखना था फाइनेंस कमीशन फीचर्स अब मेंबर्स क्या क्वालिफाई होते हैं फंक्शंस रोल रिकमेंडेशंस क्या होती है और अभी 15th फाइनेंस कमीशन इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे देन इंद्रानी दिस इज रियली गुड इंट्रोडक्शन किया सी आर्टिकल 280 क्या है कंपोजिशन क्या है फंक्शंस आपने बताए सी सच अ गुड आंसर रोल कंक्लूजन और बहुत सिंपल आंसर है ये दिस इज रियली गुड रजिया दिस इज डे नंबर 16 एक्सीलेंट नाउ लुक एट दिस अप्रोच व्हाट व्हाई कंपोजिशन रोल फंक्शंस तो देखो जब हम ऐसी सब हेडिंग्स डाल रहे हैं क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी हो गई अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई यूज दिस स्टाइल फिर फंक्शंस वन टू थ्री फोर फाइव बताया फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के भी यहाँ पे क्विक पॉइंट्स बताए हैं ऑल दो इसको हम सेपरेटली भी एक बार कवर करेंगे बिकॉज फिफ्टी फाइनेंस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर कंसर्नस हैं जैसे कुछ स्टेट्स हैं वो कोपअप में डिफिकल्टी आती है या फिर जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते दीज आर सर्टेन एरियाज फिर आकांक्षा दिस इज अगेन गुड आर्टिकल 280 क्या होता है पंद्रवे की अध्यक्षता संरचना अब देखो ऐसे हम खुद से पढ़ते हैं लिख के देखते हैं चीजें ज्यादा रिटेन होती है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ये चीज याद रहेगी आपको अब इससे जो भी सवाल आएगा 280 सौ अस्सी आप बहुत अच्छे से उसको आंसर कर पाओगे दिस इज पश्चिमी घाट अपसी एक सवाल आया था प्रलिम्स में ही कि कितने राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटेड है वेस्टर्न घाट ऐसे जो आसान आसान सवाल आते हैं ना बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए इन दी एंड ये लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है हमको सबसे पहले कट ऑफ क्लियर करना है और अगर आप इजी मॉडरेट सवाल सही कर लोगे आपका चाहे जैसा भी पेपर आए कट ऑफ नहीं रुकेगा आपका आराम से क्लियर होगा तो बेसिक्स बेसिक्स जो है ना वो गलती नहीं करना है इस पूरे अप्रैल के मंथ में जोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये चार चीजें कंसोलिडेट करो मे के टाइम पे फुल एंड टेस्ट करेंगे सिस्टमेटिकली रिवाइज करेंगे सारी चीजें दिस इज इंपॉर्टेंट Then Asha, Western Guards, see, कितना अच्छा डायग्राम है डायग्राम वर्क इज ऑसम जियोलॉजी बताया टोपोग्राफी है माउंटेन रेंजेस है रिवर्स है सी बस यहीं से सवाल बन जाएगा और हम उसको आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे अब रिविजन बहुत करना जरूरी है जो भी हम यहाँ पे कॉन्टेंट बना रहे हैं हम जो लिख रहे हैं समझ रहे हैं जैसे आपने कितने अच्छे से इंडिजिनस ट्राइप दिस इज सच अ गुड आंसर वेरी गुड टूरिज्म एंड पिलग्रेम वेरी नाइट्स nice. सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिएस्टर्न घाट्स के इसी डीफॉरस्टेशन कंजर्वेशन में भी गाड़गिल कस्तूरी रंगन के फिर पासिस कौन से हैं एक्सिलेंट वेरी गुड रत्ना प्रिया दिस इज अगेन सो गुड कितना अच्छा कॉपी हो गया है हमारा सिस्टमेटिकली अब कितना अच्छा है टू एटी कंपोजिशन सो यही चीज मैं हर किसी को बोलता हूँ जब हम काम वर्क स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट लगता है कुछ दिन तक आप कंटिन्यू करो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा एंटायर प्रोसेस बट यू हैव टू एक्ट ये नहीं कि बस थिंक ओवर थिंक थिंक ओवर थिंक इस लूप में नहीं फंसना है एक्ट एक्शन इज बेटर एक्ट क्लाइमेट सिग्निफिकेंस सच अ गुड आंसर सो एंड थॉरो सारी कमिटीज भी है ऑब्जेक्टिव एक्सीलेंट राम नरेश दिस इज अगेन सो गुड आपका कॉपी बहुत अच्छा होता है दिस इज कॉन्टेंट वाइज भी प्रेजेंटेशन वाइज भी स्ट्रक्चरिंग भी एक्सीलेंट एंथनी दिस इज सच अ गुड आंसर वंस अगेन इंट्रोडक्शन किया कम्पोजिशन टू एट्टी का क्या है तैयार हो गया एडवाइजरी रोल है लेटेस्ट फाइनेंस वेरी गुड फिर इस पर अभी 15th finance commission हम एक बार और डिटेल में देखेंगे जोग्राफी ऑफ वेस्टर्न घाट अब आपका मैप वर्क तो नेक्स्ट लेवल है दिस इज रियली रियली ऑसम मैप वर्क वेरी गुड सी कितना अच्छे से ये पूरा वेस्टर्न घाट्स बताया आपने गुड इंट्रोडक्शन जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना चीजें तो रिटेंशन भी ज्यादा रहता है हमको ज्यादा टाइम तक वो चीज़ें याद रहती है बेसिक टोपोग्राफी वेरी गुड योर वर्क योर वर्क स्पेशली जोग्राफी इज रियली रियली गुड वाइल्ड लाइफ एंड दिस इज गुड सिग्निफिकेंस भी बताया डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए होम ऑफ ट्राइब्स बताया वेस्टर्न घाट दिस इज सो गुड वेरी नाइस डे नंबर फिफ्टी वेरी गुड मीनू एक्सलेंट वर्क इंट्रोडक्शन बताया आर्टिकल 280 एटी कम्पोजिशन फेर एडवाइजरी रोल वेरी गुड टू इज इंपॉर्टेंट सुंदर अगेन सो नाइस फाइनेंस क्या होता है फिर सी, this style is good, tabulate कर दिया पे. 280, 281, composition, function, recently अभी ये बात आया पर्पज भी आया गुड इससे हमने एक, एक, एक एक्स्ट्रा लेयर बता दिया जैसे 2020, 25. बीस गुड विशाल दिस इज अगेन सो नाइस वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया कितना अच्छे से पूरा डायग्राम बताया वेरी गुड वेस्टर्न घाट्स सहयादरी हैं कोंकण वेरी नाइस फिर जियोलॉजी यूनेस्को सिग्निफिकेंस वेरी वेरी गुड थ्रेट्स बताए माइनिंग माइनिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है पासिस भी कवर कर लिया कंजर्वेशन एफर्ट्स भी बता दी वेरी नाइस nice. बस अब यहीं से सवाल बन जाएंगे आपका इंग्लिश भी बहुत अच्छा है आपका मराठी भी बहुत अच्छा है बस इसी तरीके से हमें कॉन्टिन्यू करना है वित्त uh, आयोग के बारे में आपने बताया सी एक्चुअली क्या होता है जो हमारी मदर टंग होती है ऑब्वियसली उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं खुद को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं दिस इज इज अ फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर के लिए भी ट्राई कर रही है वर्नाक्यूलर में हम क्यों ना आगे जैसे इंजीनियरिंग भी वर्नाक्यूलर में हो लाइक दैट तो दिस इज वेरी नॉर्मल कि हम मदर टंग में ज्यादा अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं दिस इज गुड बट दिस इज ऑल्सो वन थिंग की लैंग्वेज इज लैंग्वेज कंटेंट अच्छा होगा तो आप फिर हर जगह उसको देखना बहुत अच्छे से नो मैटर व्हाट लैंग्वेज उसको अच्छे से एक्सप्रेस करोगे सो यू आर लाइक सो यंग अभी अर्ली है तो हमें कंटेंट में समझने में इधर भी साइमल्टेनियसली बहुत अच्छे से काम करना है ओके दिस इज रियली गुड जैसे दोनों आपने बताया एक्सलेंट वेरी गुड फाइनेंस कमीशन दिस इज ममता वेरी गुड आंसर वंस अगेन सी 280, 281 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंपोजिशन बताया आपने मेंबर्स वेरी गुड टेन्योर फंक्शंस

फाइनेंस कमीशन और फिर कोर्ट्स भी बता दिए फोर्स ताकि हमें थीम भी पता चल जाए शुभम दिस इज अगेन वेरी गुड आंसर सिंपल एंड टू द पॉइंट दोग्राफिकल रिवर्स सवाल आते हैं वेस्टर्न घाट फेवरेट है यूपीएससी का रिसेंट इशूज भी आपने बताया तो एक नया लेयर आ गया प्रेजेंट करंट अफेयर्स का फाइनेंस कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है में ओके सो दिस इज पावर ऑफ द कमीशन सागर दिस इज अगेन गुड फंक्शंस बताए देन इसके बाद रोल फिर अपॉइंटमेंट सी अब इसी से एक अच्छा सा एमसीक्यू बन जाएगा वेरी नाइस कॉन्क्लूजन गुड फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है इसको हम सेपरेटली एक बार प्रिपेयर करेंगे दमन दिस इज अगेन गुड कार्ड्स के बारे में बताया सदन डायग्राम भी है हिल्स बताया सी योर डायग्राम्स अगेन बहुत अच्छे हो गए दिस इज गुड रिवर्स बताइए आपने वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना थ्रेट्स हैं गुड वेरी नाइस आदित्य नाउ सी मैं इस स्टाइल को बोल रहा था कि जैसे इंडिया का मैप छोटा सा बनाए फिर ये पार्ट हमने जूम करके जूम इसको जूम इन बोलते हैं या जूम आउट बोलते हैं टेल ये जैसे एरिया जो है इसको हमने ऐसे जूम करके बताया पे सो दिस इज देयर वेस्टर्न घाट ये स्टाइल अच्छा है कि आप पूरा इंडिया का मैप बताओ फिर जो पर्टिकुलर एरिया है उसको ऐसे जूम करके यहाँ पे दिखा दो तो दिस इज गुड वेस्टर्न घाट है WG, से सवाल हर बार आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला गुजरात

स्टार्ट किया गुड करंट अफेयर का लेर है टू एट्टी फेर आर्टिकल्स फंक्शन कॉन्क्लूजन वेरी नाइस वेरी गुड अब सी ये डायग्राम बहुत अच्छा है किस तरीके से वेस्टर्न गार्ड्स का प्रोग्रेशन बताया स्टेट्स हैं रिवर्स हैं वाइल्ड लाइफ है वेरी गुड अब इसी से एक सवाल आ जाएगा में प्रियंका दिस इज अगेन वेरी गुड मैप वर्क बहुत अच्छा है आज का देन स्पेशल स्टेटस जियोलॉजी टोपोग्राफी वेरी गुड कंटेंट भी बहुत अच्छा है और सारा हमने प्रिलिम्स स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमें पता होने चाहिए वो कवर हो गए गुड वेरी गुड थ्रेट्स भी कवर हो गए कस्तूरी गार्डगिल भी हो गई और ये पासिस भी हो गए गुड कविता दिस इज अगेन गुड डे नंबर ट्वेंटी थ्री ऑसम सो फाइनेंस कमीशन क्या होता है सी बहुत अच्छा स्टाइल है आपके लिखने का दिस इज रियली रियली गुड फंक्शंस बताया मेम्बर वन टू थ्री क्वालिफिकेशन वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड फैक्टर्स फॉर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है पैसों का अलॉटमेंट पॉवर्स क्या है वेरी नाइस कॉन्क्लूजन एंड दिस इज प्लानिंग कमीशन एक्सलेंट फिर दिस इज पुष्पेंद्र फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया सी आपका हिंदी राइटिंग बहुत अच्छा है और कितना साफ साफ है दिस वित्तायोग, वित्तायोग की ये फेवरेट एरिया सवाल आता है और अभी फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन भी है दिस से, दिस से सवाल आएगा दिस इज इम्पोर्टेंट सरोज दिस इज अगेन रियली गुड इंडिपेंडेंस कम्पोजिशन सारी चीजें बताई आपने वेरी गुड चेयरमैन क्या होता है सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फंक्शन दिस इज सो गुड वेरी नाइस स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी अब नेक्स्ट पार्ट में हम फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन स्पेसिफिकली देखेंगे देन वेस्टर्न गार्ड्स पूरा अच्छे से आपने बताया जोग्राफी आपके आंसर्स बहुत अच्छे हैं वाटर बॉडी क्लाइमेट सारा चीज यहाँ पे अच्छे से कवर हुआ है थ्रेट वेरी गुड सागर दिस इज अगेन गुड वेस्टर्न गार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इससे हर साल एक ना एक सवाल आता है थ्रेट्स गुड शिल्पा दिस इज़ रियली गुड हिंदी बहुत अच्छे से लिखा है आपने सदस्यों की योग्यताएं ये पे इसमें थोड़ा और कंटेंट होना चाहिए संरचना और कार्यों के बारे में यहाँ एक ही पेज आई थिंक अपलोड हुआ है देन मीनू दिस इज रियली गुड सी द मैप कितना अच्छा मैप है पूरा गुजरात से लेके कर यहाँ तक स्टार्ट किया है बट यहाँ पर भी वेस्टर्न घाट्स में भी जोग्राफी ऑफ वेस्टर्न घाट जो रिवर तापती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर नॉर्दर्न पार्ट पासिस बताए इंट्रोडक्शन जोग्राफी देन वाटर बॉडीज Then then climate, then flora, fauna, fish, very nice. Threats and conservation. second upload हुआ है हम ये सारे ना answers एक ही एक ही submission में आ सकते हैं जो question था ना one two three four multiple pages same post में upload हो जाते हैं का कार्य स्पष्टीकरण Very nice। शुभांगी नौ सी ये इंडिया का छोटा map है उसको zoom करके यहाँ पे बनाया This style is good. जियोलॉजी क्या होती है फोल्ड ब्लॉक आपका जोग्राफी बहुत अच्छा है नॉर्दर्न मेडल नीलगरी एंड दिस गुड एक्सेलेंट ये सारे माउंटेन्स हिल्स रेंज एक्सेट्रा रियली रियली गुड वेरी नाइस देन बेसिक टोपोग्राफी बताया वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर वाइल्ड लाइफ सी दिस इज सो ब्यूटिफुल देन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है अगर सत्यामलाई एक्सिलेंट वगैरह कंजर्वेशन एफर्ट्स वेरी गुड फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना था वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच फंक्शन क्या है एडवाइजरी रोल क्या है बस यहीं से एक एम सी क्यू बन जाएगा गुड धनाक्षी दिस इज अगेन गुड आर्टिकल टू एट्टी क्या है कम्पोजिशन चेयरमैन चार मेंबर फिर एडवाइजरी रोल इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है फाइनेंस कमीशन का ही अभी हम फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन भी पढ़ेंगे देन वेस्टर्न दिस इज रियली गुड वेर इज द मैप डायग्राम हियर इट इज ओके इसमें भी और डिटेल्ड हम स्पेसिफिक बताएं राज्यों में कुछ हिल्स बताएं कुछ रिवर्स बताएं थिंक जो हमने लिखा है ना मैप में भी एक्सप्रेस हम उसे कर सकते हैं गुड थ्रेड्स बताया दिस इज रियली गुड नाउ दिस इज राजिया दिस इज अगेन गुड सी ये पूरा यहाँ पे अच्छे से आपने रेंजेस कवर कर दिए मैप वर्क आपका बहुत अच्छा है दिस इज योर स्ट्रेंथ राइटिंग इज योर स्ट्रेंथ वाटर गार्ड अभी प्रिलिम्स अब अच्छे से निकालना है मीनस में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली आपको सिग्निफिकेंस हुआ

बस अब इससे एक एमसीक्यू बन जाएगा बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म सी द लैंग्वेज दिस इज रियली गुड बहुत अच्छा आंसर है अब हम नेक्स्ट में फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन देखेंगे ओके okay? सो so, ये सारे थे आज के लिए अब सैटरडे संडे है तो अब आपका ड्यूटी है इन सभी रिटर्न आंसर्स को अच्छे से रिवाइज करना है ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ